Hey guys, welcome back to TechSire. It's Vineet Sire here. तो आज मैं आपको इस वीडियो में WhatsApp के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप मैसेजेस को डिलीट कर सकते हैं ताकि आपके सामने वाला आपके मैसेजेस को रीड ना कर सके। ये बहुत ही हेल्पफुल एंड मोस्ट अवेटेड फीचर है WhatsApp का, तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में ही बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये फीचर कब हेल्पफुल है? तो जैसे कि आपने गलती से किसी को कुछ गलत मैसेज कर दिया और आप नहीं चाहते कि वो बंदा उस मैसेज को रीड करे, आप उस मैसेज को डिलीट करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, डिलीट फॉर मी, कैंसल एंड डिलीट फॉर एवरीवन। तब आपको यहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन ऑप्शन को चूज़ करना है। जैसे ही आप डिलीट फॉर एवरीवन चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं लिखा आ जाएगा कि यू डिलीटेड दिस मैसेज। तो पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि आपके मैसेज सेंड करने के विद इन 7 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपको डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। लेकिन मैंने ट्राई किया है कि 8-9 मिनट तक तो डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन 14 मिनट के बाद डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो अप्रॉक्सीमेटली तो यही है कि अगर आपने 10 मिनट के अंदर अंदर इस मैसेज को डिलीट करा तो वहाँ पर डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन आ जाएगा। अगर उसके बाद आप डिलीट करने की ट्राई करेंगे तो आपको डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आप इस बात को ध्यान में रखना। और अगर आपके मैसेज डिलीट करने से पहले रिसीवर ने मैसेज को रीड कर लिया तो भी उसके बाद आप मैसेज को डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन रिसीवर ने आपका मैसेज रीड कर लिया तो पंगा तो पड़ ही गया। ये फीचर WhatsApp की चैट्स में भी वर्क करता है और ग्रुप्स में भी परफेक्टली वर्क करता है। तो अगर आपसे कभी भी कुछ गलत मैसेज सेंड हो जाता है तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी भी GB WhatsApp को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन ऐप्स में आपके पास एक ऑप्शन होता था रिकॉल का, लेकिन ऑफिशियल WhatsApp में इसको डिलीट फॉर एवरीवन फीचर का नाम दिया गया है। और ये फीचर WhatsApp ने पिछले 2-3 दिनों से ही अपडेट किया है और ये स्लोली सभी कंट्रीज़ में आ रहा है। तो आज मैंने रात को चेक किया तो ये फीचर इंडिया में अवेलेबल था, सो आप भी इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अगर अभी तक आपको आपके WhatsApp पर ये फीचर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपली जाके Google Play Store से अपने WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल WhatsApp में भी अवेलेबल है, तो आपको बीटा वर्जन में एनरोल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो बस ये एक क्विक वीडियो थी आपको WhatsApp के लेटेस्ट फीचर के बारे में बताने के लिए, जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।